नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। शहर में बीते 24 घंटे में 1133 मरीज आए सामने, 30 मरीजों ने गवाई कोरोना की चपेट। ससुराल वालों ने दामाद की दो बहनों से की मारपीट, दूसरी शादी को लेकर मचा बवाल, कामठी पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। कोरोना टेस्ट को लेकर मनपा ने शुरू किया विशेष अभियान, सुपर स्प्रेडर पर अंकुश, तो स्थिति नियंत्रण। लॉकडाउन में नुकसान झेलकर परिचालन कर रही रेलवे, 20% ट्रेनों को नहीं मिल रहे यात्री। डकैती की तैयारी में धरे गए अपराधी, तेज हुई पुलिस की धरपकड़, गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। साइक्लोन तोकते का असर, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 536 घरों का नुकसान, रत्नागिरी में 61 घर क्षतिग्रस्त। मौसम विभाग ने साइक्लोन तोकते को किया अत्यंत गंभीर चक्रवात घोषित। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 558 अंकों की उछाल के साथ खुला। बीते 24 घंटे में देश में 281,386 नए केस आए सामने, 4,106 मरीजों ने दम तोड़ा। रविवार को देश में 15,73,515 सैंपल की हुई जांच, अब तक लगभग 31 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए, आईसीएमआर ने दी जानकारी। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।